अब हम बात करते हैं चैप्टर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हमारे बिजनेस में जो हमारा मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हमारे साइंटिस्ट ने, जिससे कि क्या हो, हमारे मैनेजर्स को कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े किसी भी सिचुएशन को टैकल करने में। आपने देखा होगा कि जैसे डिवीजन ऑफ वर्क प्रोवाइड किया हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे साइंटिस्ट ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप हमें बताया कि जिससे कि मैनेजर्स को अगर किसी भी सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके वो इसको क्या कर सकते हैं, इजीली टैकल कर सकते हैं। ऐसी हमें तीन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमें किसने दी है, FW टेलर ने, जो हमें FW टेलर के द्वारा दी गई है। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वो हमें प्रोवाइड की गई हेनरी फ्यूल के द्वारा। अब हमें तीसरी थ्योरी, मतलब जो थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे फाउंडेशन के पेपर वन के लिए, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो किसके द्वारा दी गई, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो जिनका नाम था मैक्स वेबर। इन तीनों को हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनका पूरा नाम क्या था, FW टेलर, दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। उन्होंने बोला कि हमें अपने मैनेजमेंट में साइंस की मेथोडोलॉजी को अपनाना चाहिए। हमें अपने हर मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के हर एक चीज में अगर हम साइंस को क्या कर दे, अप्लाई कर दे, तो हम अपने गोल को इजीली क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे, इजीली अटेन कर पाएंगे ऑन टाइम। उनका मेनली मोटिव ये था कि अगर हम साइंस के एलिमेंट्स को इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट देखने को मिलेगा साइंस जैसा ही मिलेगा। एक एग्जैक्ट प्रिंसिपल, कैसे उस सिचुएशन से निकलना है, इन चीजों को हम ओवरकम कर पाएंगे। पर अगर हम बात करें टू बी प्रिसाइज, यहाँ पे लिखा है टू बी प्रिसाइज, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट एनी सिस्टम टू इंक्रीज प्रोडक्शन और टू पे वेजेस। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये दावा नहीं देता कि आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा या आपकी वेजेस इंक्रीज होगी या आपकी जो कॉस्ट है वो कम या ज्यादा होगी, और ना ही ये टाइम स्टडी और मोशन स्टडी जो आप आगे पढ़ोगे उसके बारे में बोलता है। इसका ये मेनली ये बोलता है कि हमें एक मेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है किनके बीच, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। आपने क्लास ट्वेल्थ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन, ये प्रिंसिपल बोलता था कि आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दोनों के माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही ग्रुप क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सुपरवाइजर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय, दोनों के बिना हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, दोनों का जो ईगो क्लैश प्रॉब्लम थी वो मेनली इस वजह से थी, दोनों सोचते थे कि जो हमारा एम्प्लॉय का ग्रुप था वो सोचता था कि जो हम काम तो हाई कर रहे हैं, हम काम तो सारा करते हैं, पर जो हमें पेड किया जा रहा है, जो हमारी सैलरी है, जो हमारी वेजेस है, वो हमारे काम के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ज्यादा कम है। और एम्प्लॉयर लेवल सोचता था कि भाई सारे के सारे डिसीजन मेकिंग तो हम करते हैं, ये तो कुछ करते ही नहीं है, बस जो रटा रटाया काम है, जो एक काम है उसी को करके रख देते हैं। दोनों के माइंडसेट क्या थे, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, जिससे कि हम अपना 100% एफर्ट टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका जो ईगो क्लैशिंग की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम बढ़ते ही जा रही थी। तो इस पे FW टेलर ने बोला कि हमें दोनों के माइंडसेट को क्या चेंज करने की जरूरत है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो हम पढ़ते हैं अब,
सबसे पहला रूल ऑफ थर्म टू बी रिप्लेस बाय रूल ऑफ साइंस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। रूल ऑफ थर्म क्या था, इसमें ये एक साइंटिफिक टेक्निक थी किसकी, हमारे F.W. टेलर की, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें किसको रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करना है बाय रूल ऑफ साइंस। पहले के में क्या होता था, पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल मेथड में जो हमारे एम्प्लॉयज होते थे उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, वो खुद ही अपना टारगेट सेट करते थे और खुद ही को अचीव करते थे। मतलब उनको टाइम के लिए, उनको उनके वर्क के लिए ना ही प्रेशराइज किया जाता था, ना ही ओवरबर्डन किया जाता था, जिससे क्या होते थे वो किसी भी काम को सीरियसली नहीं ले पाते थे। तो इसी पे F.W. टेलर ने बोला कि हमें रूल ऑफ थंब को हटाना पड़ेगा, हमें हिट एंड मिस मेथड, तुक्केबाजी, इंट्यूशन, मन की आवाज की हमारा जितना मन कर रहा है उतने काम करने की आदत पड़ चुकी है, हमें इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा और हमें साइंस को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें हमें क्या एक, जैसे अगर हम टाइम स्टडी को अप्लाई करें और एक नॉर्मल एम्प्लॉय का टाइम नोट करें कि वो किसी यूनिट को बनाने में इतना टाइम कंज्यूम करता है, इतना टाइम लेता है, तो हमें उस नोट डाउन को करके उसको एक टाइम बना देना चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय को मिनिमम टाइम में इतने रॉ मटेरियल को क्या करना है, उसका प्रोडक्शन करना है, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो वर्क है ऑन टाइम कंप्लीट होगा, जिससे कि उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बी पॉइंट, देयर शुड बी परफेक्ट हार्मनी अमंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, नॉट डिस्कॉर्ड। ये पॉइंट बोलता है हम जानते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन काम करते हैं और उनका एक साथ मिलकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने जो मेंटल रेवोल्यूशन की बात करी, हमने देखा कि उसमें टू ग्रुप्स है, जिसमें एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉय क्या चाहता है, मोर एंड मोर अर्न करना, और एम्प्लॉयर चाहता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या, वो मैक्सिमम हो। उस अलग अलग डिस्कॉर्ड को क्यों ना हम एक हार्मनी बना ले, उसमें एक एकता कर ले। जैसे अगर कोई एम्प्लॉई है वो क्या करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहता है, और वो अर्न कब कर सकता है, जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा, जिससे कि हर एक एम्प्लॉय को उनकी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगी और वो अपना 100% एफर्ट के साथ काम करेंगे। अब सी पॉइंट है, एन एटमॉस्फेयर ऑफ परफेक्ट कॉपरेशन अमंग डिफरेंट वर्कर हैज टू बी क्रिएटेड फॉर म्यूचुअल इंटरेस्ट सप्लीमेंटिंग पर्सनल इंटरेस्ट। ये बोलता है, ये किसी का पार्ट है, ऊपर वाले पॉइंट का ही पार्ट है, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल बोलता है, ये लाइन बोलती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स के क्या है, को मिलके काम करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले कि हमारा कोई टारगेट है, हमारा कोई टारगेट है कि हमें 100 रॉ मटेरियल्स को 10 दिन के अंदर क्या करना है, उसका प्रोडक्शन करना है, और हमने एक दिन का टारगेट रखा कि हर एक एम्प्लॉय को क्या करना है, 10 रॉ मटेरियल तो एटलीस्ट प्रोड्यूस करने हैं, जिससे कि क्या हो, हमारा 10 दिन का टारगेट इजीली अटेन हमें हो जाए। पर अगर जो हमारा एम्प्लॉयर लेवल का ग्रुप है, अगर वो एम्प्लॉय लेवल के साथ कंसल्टेशन के साथ उनका एक वो सेट करे कि भाई आप कितना टारगेट को अचीव कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितना है, अगर वो उनके कंसल्टेशन के साथ क्या करेंगे, वर्क को करेंगे, तो वो एक अपने आप को क्या समझेंगे, सोचेंगे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट वो समझते हैं एम्प्लॉयर लेवल, और हमें उनके गोल के लिए 100% डेडिकेशन की काम करने की जरूरत है। और इसके आगे बात करें कि एम्प्लॉयर लेवल को क्या सजेशन मांगने चाहिए, किससे, अब एम्प्लॉय लेवल से, और वो सजेशंस अगर उनको अच्छे लगे तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने चाहिए, और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट होता है, कुछ भी प्रॉफिट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए उसको रिवार्ड देना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए, जिससे कि जो उनका विल पावर है, जो उनका डिटर्मिनेशन है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो, जिससे फायदा किसको होगा, ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज देयर शुड बी, हाँ, दी पॉइंट,
प्रोडक्शन हैज टू बी मैक्सिमाइज नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. ये तो ऑब्वियस समझ में आ रहा है कि हमें अपने प्रोडक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं कि आप दिन का टारगेट आप इतना रख दो. हमें एक प्रोडक्शन को दिन पे दिन इंक्रीज करते जाना है क्योंकि जो हमारे वर्कर्स लेवल है उनकी जो एफिशिएंसी है वो दिन पे दिन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी. देयर शुड बी इंकरेजमेंट टू greatest efficiency and prosperity of every individual, both employer and employees. ये point कहता है कि एक organization की जो growth rate है, एक profit है, वो किस पर depend करता है कि हमारे workers कितने efficient है. और हमारे efficient worker किस पर depend करता है कि हमने जो उनको कैसी training provide कर रखी है और हमने उनका selection किस basis पे किया है. तो ये Fayol बोलता है कि जो टेलर बोलता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को सही तरीके से उनको सेलेक्ट करना है और उनको जो प्रॉपर पोस्ट के लिए हमने सेलेक्ट किया है उसी पोस्ट पे उनको रखना है. मतलब जिस स्किल्स के लिए उनको रखा गया है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वही होनी चाहिए जिस पोस्ट के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है, जिससे कि क्या होगा, उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजीली अटेन कर पाएंगे. और टाइम टू टाइम उनकी नॉलेज को अपडेट भी करना पड़ेगा, जिससे फायदा किसको होगा, एम्प्लॉयज को होगा. वो क्या फायदा होगा कि वो मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे. और अगर हम एम्प्लॉयर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमें अपने गोल को अचीव करने में कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी. अब नेक्स्ट वन इज प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. हमने अपने एम्प्लॉयज को सही तरीके से क्या करना है, उनका सिलेक्शन करना है, जिस पोस्ट के लिए जिस क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉय की जरूरत है वही पर्सन को हमें क्या करना है, रिक्रूट करना है, उसका सही तरीके से सिलेक्शन करना है. क्या उसके पास उतनी नॉलेज है कि हम उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो. और उसको टाइम टू टाइम क्या करवाना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे कि उसकी नॉलेज अपडेट हो सके और वो मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके. नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल डिविजन ऑफ वर्क बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज. कि आप अपने एम्प्लॉयज को वर्क उतना ही दो जितनी आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो. मतलब ये ना हो आपने वर्क तो दे दिया उनको पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भूल गए. आई बस में और हमारे दोनों लेवल दैट इज मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, आपको दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे गोल को अचीव करने की. उनको सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेम वर्क. ये नहीं कि हमने एक को वर्कलोड ज्यादा दे दिया और एक को वर्कलोड बिल्कुल भी दिया नहीं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ऑन टाइम पे अचीव करेंगे. अब हम बात करते हैं क्रिटिसाइज, मतलब कि जो टेलर ने ये प्रिंसिपल्स दिए हमें, जो ऑब्जेक्टिव्स दिए, उसको कुछ लोगों ने क्या करा, क्रिटिसाइज भी करा कि ये जो टेलर है ये चीज गलत कह रहा है. किसने, बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय लेवल. एंड इट इज इट डील्स विद फैक्ट्री मैनेजमेंट ओनली. ये किस पर डील करता था, ये वर्कर लेवल पे ही मेन फोकस करता था, ये मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट ज्यादा फोकस नहीं कर पाया. सेकेंड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग इज अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट. इन्होंने एक पॉइंट था, एक टेक्निक थी इनकी, दैट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप. इन्होंने इसमें बोला कि हमें अपने प्लानिंग और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि एक बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. तो ये क्या था, एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट था. लोगों ने, जो हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय लेवल थे, उन्होंने बोला कि ये गलत है, हमें इनको क्या रखना चाहिए, साथ में ही रखना चाहिए. थर्ड पॉइंट, इट लेज टू मच एम्फेसाइज ऑन इंजीनियरिंग साइड इग्नोरिंग द ह्यूमन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन. क्योंकि ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने मोस्ट फोकस किस पे करा, इंजीनियरिंग साइड में. इन्होंने ये भूल गए कि जो हमारा ह्यूमन है, जो हमारा वर्क हमें करना है वो हमारे ह्यूमन के द्वारा ही किया जाएगा और उनकी जो कैपेसिटी है वो मशीन के बराबर नहीं हो सकती. नेक्स्ट वन, फंक्शनल फॉरमैनशिप इज नॉट अ डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने बोला फंक्शनल फॉरमैनशिप में कि हमें दोनों डिपार्टमेंट को क्या करना है, अलग अलग करना है, जिसमें कि क्या हो जाएंगे, अलग अलग एक्सपर्ट को बिठाएंगे, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव होने में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी. पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ सकती. बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से निकलना पड़ता है और ये हमें पूरी ग्रोथ रेट प्रोवाइड नहीं करता. कौन सा टेक्निक, दैट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप.
ही कंसीडर ह्यूमन एलिमेंट एज कॉक्स ऑफ मशीन. उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को क्या समझा, पार्ट समझ गया एक मशीन का जो अनलिमिटेड वर्क करते जाए. उन्होंने ये नहीं देखा कि ह्यूमन की भी क्या है, एक कैपेसिटी है और वो उसके अंदर ही काम करते हैं. नेक्स्ट वन, इट क्रिएटेड कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोक्रेसी. इन्होंने ये एलिमेंट जोड़ा कि ये जो मैंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो मेनली किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे इंडस्ट्री एरिया में. उन्होंने जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं उन्होंने उस पर फोकस करा, इंडस्ट्रीज में फोकस करा, पर एक जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं, जो हमारी कंपनीज होती है, वहां पे इनको अप्लाई करने से इन्होंने रोक लगा रखी थी. नेक्स्ट वन इज, इट क्रिएट अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. इन्होंने मेनली क्या किया, एम्प्लॉयज लेवल पे जो हमारे वर्कर लेवल है उन्हीं पे फोकस किया, उन्हीं के लिए ज्यादातर प्रिंसिपल्स फॉर्म किए. दैट इज पहला था कि एक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. इन्होंने इसमें भी ये पॉइंट लिया कि हमें इफिशियंट और अनइफिशियंट एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनको पीस रेट के अकॉर्डिंग उनको वेजेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी. जितना वो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उनको वेजेस देंगे. तो क्या हुआ, हमने उतना फोकस एम्प्लॉयर लेवल पे नहीं करा, हमने ज्यादा फोकस एम्प्लॉय को ही दी. एट्थ वन इज, इट इज डाउटफुल वेदर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क कैन बी रियली मेजर्ड. था कि क्या हम एक एग्जैक्ट टाइम नोट डाउन कर सकते हैं, क्या हम एग्जैक्ट टाइम नोट कर सकते हैं कि हम इतने काम को इतने वर्क पे हर कोई पर्सन कर पाएगा. जिसको लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया कि हर एक पर्सन की क्या होती है, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है और अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो उस वर्क को करते हैं. नाइन्थ वन इज, इट इज एंटी सोशल बिकॉज इट एम्ड एट इफिशियंट वर्कर्स ओनली. उनका मेन मोटिव क्या था कि हर एक एम्प्लॉय को इफिशियंट होना जरूरी है. जो पर्सन इफिशियंट है वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेस्ट है. क्योंकि ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ज्यादा अहमियत रखते थे, ये सोचते थे कि हर एक एम्प्लॉय का इफिशियंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर वो इफिशियंट नहीं है देन देयर इज There will be no role of in the organization. तो उसका organization के अंदर कोई भी role नहीं है. Ninth, tenth one is, it is not possible to find out one best way to do a job. What is true for one may not be true for another. इनका इसमें कहना था कि हर एक काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, हम किसी एक तरीके को अपना के सब पे थोप नहीं सकते क्योंकि हर एक पर्सन डिफरेंट होता है, उनका काम करने का तरीका भी अलग होता है. क्या पता एक काम जो है किसी एक पर्सन के लिए ठीक नहीं है और दूसरों के लिए ठीक है. इलेवेंथ वन इज, इट इज नॉट रियली साइंटिफिक मैनेजमेंट बट साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट. इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट तो नहीं बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि एक ये साइंटिफिक अप्रोच हमने किस पे दबानी चाहिए मैनेजमेंट में. हमने इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं बनाया, हमने साइंस की जो फॉर्मूलेस थे, जो टेक्निक्स थी, हमने मैनेजमेंट में उसको डालना चाहा. तो लोगों ने इस तरह टेलर के इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन व्यूज को क्या करा, क्रिटिसाइज करा कि ये टेलर इन चीजों में गलत है. अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो किसके द्वारा दी गई, हेनरी फ्यूर्ड.